हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रोहतक जिले के कुलताना गांव की रहने वाली हर्षिता कौशिक अब अपनी 11वीं की पढ़ाई अमेरिका में करेंगी, क्योंकि उसे कैनेडी लोगर यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम के तहत अमेरिकन सरकार ने स्कॉलरशिप प्रदान की है। पूरे देश से इस प्रोग्राम के लिए 29 बच्चे चयनित हुए हैं और हरियाणा से केवल हर्षिता शर्मा को ये मौका मिलने जा रहा है, जिसे लेकर वे काफ़ी खुश हैं। हर्षिता के इस उपलब्धि पर उसका स्वामी नित्यानंद ग्लोबल रेसिडेंशियल स्कूल भी फूला नहीं समा रहा है। हर्षिता कौशिक स्वामी नित्यानंद ग्लोबल रेसिडेंशियल स्कूल में 10वीं क्लास की छात्रा है। स्कूल ने जब इस प्रोग्राम के बारे में उसे बताया तो उसने अपनी मेहनत शुरू कर दी और 8 राउंड की परीक्षा के बाद जब उसका चयन हुआ तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। हर्षिता कुलताना गांव के एक सामान्य परिवार से संबंध रखती हैं, जिसके परिवार वाले खेती पर निर्भर हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वे बेटी को अमेरिका पढ़ने के लिए भेज सकें। हर्षिता ने कहा कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अमेरिका में पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि परिवार के हालात ऐसे नहीं हैं कि इतना खर्च उठाया जा सके, लेकिन स्कूल के उत्साहवर्धन और उसकी मेहनत ने यह मुकाम हासिल किया है। वे इसके लिए अपने परिवार और स्कूल का धन्यवाद करती हैं। इस पढ़ाई के दौरान वे मेजबान परिवार के साथ रहकर अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करेंगी। हर्षिता की इस उपलब्धि को लेकर स्वामी नित्यानंद ग्लोबल रेसिडेंशियल स्कूल के अध्यापक भी काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि हर्षिता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अमेरिका में पढ़ने का सपना किसी किसी का पूरा होता है और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हर्षिता ने बहुत मेहनत की है और स्कूल से जो संभव हो पाया हर्षिता की वो मदद की गई। हर्षिता उन बच्चों के लिए प्रेरणा बनेंगी जो मेहनत करके इस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। साथ ही उनका ये कहना है कि दिल्ली रीजन में लगभग उत्तर भारत के राज्य आते हैं और हरियाणा से एकमात्र हर्षिता का चयन हुआ है। रोहतक से हमारे संवाददाता प्रकाश ओहल्यान की रिपोर्ट। हर्षिता, अपने बारे में बताएं सबसे पहले। मेरा नाम हर्षिता है, मैं कुलताना गांव से हूँ और अब मेरी फैमिली बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा हाई नहीं है, मींस मेरी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को ऐसा प्रोग्राम मिला। मेरी फैमिली इस मतलब अमेरिका जाने के लिए इतने ज़्यादा अमाउंट में अफोर्ड नहीं कर पाती, बट मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे स्कूल ने भी मेरी बहुत हेल्प की, इस प्रोग्राम के बारे में मेरे को बताया, मेरे को गाइड किया और फिर मैंने अपनी थोड़ी कोशिश की, मीन्स स्कूल ने मेरे को गाइड किया, फिर मैंने भी मेहनत की और फिर मेरे को ये प्रोग्राम मिला, मैं बहुत खुश हूँ। क्या प्रोग्राम है और आपको इसके अंदर क्या बेनिफिट्स मिले? इस प्रोग्राम का नाम KLES प्रोग्राम है, कैनेडी लुगर यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम, और अमेरिका जाना सबका सपना होता है और मेरे को वहाँ जाने के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है, तो वहाँ जाऊँगी मैं और स्टडी करूँगी। और मेरे को बिलीव है कि जैसे कि USA बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया और USA के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे स्टडी से रिलेटेड, ताकि मैं वहाँ पर सीख पाऊँ पॉइंट्स को। तो कितनी तैयारी करनी पड़ी इसके लिए और हाँ, कैसे पता चला कि ऐसी भी कोई स्कीम है? मेरे को स्कूल से पता चला कि ऐसे भी कोई स्कीम है, तो इसमें 7-8 स्टेप्स थे और उन 7-8 स्टेप्स में पहले हमारा प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन था, फिर रिटर्न एप्लीकेशन, उसमें हमारे टेस्ट हुए, इंटरव्यूज़ हुए, होम इंटरव्यूज़ हुए, तो हमारे स्कूल ने मेरे को गाइड किया और फिर मैंने अपने सारे टेस्ट क्लियर किए। तो कितनी खुशी है, परिवार वालों ने क्या कहा इसको लेकर? परिवार वाले तो बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा हमने इतना कुछ नहीं किया और हमारा बच्चा ऐसे ही करने जा रहा है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और मैं तो बहुत खुश हूँ। तो क्या कभी सोचा था कि अमेरिका पढ़ने को मिलेगा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो अभी आप सिर्फ वहाँ से ग्रेजुएट करेंगे, तो क्या भविष्य में भी ऐसा सोचा है कि अमेरिका में अपनी आगे की पढ़ाई कर सकें? वहाँ से मैं 11th करूँगी, पर शायद मैं अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करूँ कि वो मेरे को भेजे, बट हमारा फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा हाई नहीं है, तो आई थिंक नहीं हो पाएगा, तो मेरे लिए एक साल में ही मैं कोशिश करूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सीख पाऊँ। परिवार में कौन कौन हैं और क्या करते हैं? हमारे परिवार में 9 मेम्बर्स हैं और उसमें सबसे सीनियर मोस्ट हैं मेरे ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर फार्मर हैं और मेरे फादर मीन्स वो भी उनका प्रोफेशन तो एग्रीकल्चर ही है, बट कभी छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं, और मेरी मदर भी एक हाउसवाइफ हैं, बट वो भी सेविंग मशीन का को यूज़ करती हैं, और मेरे अंकल और आंटी वो स्कूल में जाते हैं, और मेरा छोटा भाई है वो भी स्कूल में पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ। फैमिली में रहते हैं? यस सर।
सर परिचय दीजिए। मैं मनोज गहलावत स्वामी नित्यानंद ग्लोबल रेजिडेंशियल स्कूल में एज डायरेक्टर, या मैं ये कहूँ कि हमने ये विजन बनाया था कि ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए यह स्कूल हमने 2016 में शुरू किया था, और कोशिश ये करते हैं कि उन्हीं एनर्जीज के साथ काम करते रहें। ग्रामीण परिवेश का बच्चा आता है, उनको एनर्जीज लगा के इतना सिखा पाएँ, सुझा पाएँ, आगे बढ़ा पाएँ कि वो अपने अलग करियर्स की तरफ अपनी दिशाएं बना पाएँ। सर हर्षिता ने क्या अचीवमेंट किया है और आप लोगों को कैसे पता चला उसके बारे में? देखिए, ये US गवर्नमेंट का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये वैसे तो एक बहुत पुराना प्रोग्राम है जो काफ़ी साल तक चला, बीच में काफ़ी साल बंद रहा। 9/11 के अटैक्स के बाद US गवर्नमेंट ने इसको दोबारा शुरू किया, स्पेसिफिकली उन कंट्रीज में जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, कि हम कल्चरली मजबूत हो पाएँ और जो एक नज़रिया है आपसी देशों में वो एक मजबूत बन पाए। हमें एक्सीडेंटली इस प्रोग्राम के बारे में पता चला था, मुझे कोई सज्जन अम्बाला से मिले जिन्होंने कुछ आधा अधूरा सा ज्ञान इस चीज़ के बारे में दिया, लेकिन वो एक मैं ये कहूँगा कि वो आग सी लगी। फिर हमने इसको ढूंढा और हम ढूंढ पाए। हमने पिछले 3 साल से हम इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे थे, हमारे बच्चे वो सेमीफाइनल फाइनल राउंड तक पहुँचे लेकिन फाइनलिस्ट में नहीं जा पाए। इस बार हमें अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखा, कुछ इस बार देखा, और हर्षिता के साथ हमने वैसे तो 10 बच्चों को अप्लाई करवाया था, फाइनल राउंड तक पहुंचते पहुंचते 2 बचे और फाइनल सिलेक्शन में हर्षिता हुई। ये 1 साल का स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम है, फुल्ली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। मतलब मैं ये कहूं कि हमें बच्चे को दिल्ली तक छोड़ना है, उसके बाद अमेरिका में 1 साल की पढ़ाई, रहना खाना और इसकी जेब खर्ची, इंश्योरेंस और बाकी सारी चीज़ें अमेरिकन सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड रहेंगी। बच्चा हमें दिल्ली छोड़ना और 1 साल बाद वापस दिल्ली से ही पिक करना है। तो ये मोटा सा प्रोग्राम। तो सर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये प्रोग्राम चलाती है? देखिए, ये KLS प्रोग्राम है और इसको अमेरिका की ही एक NGO है AFS, जो ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है। इस प्रोग्राम को भी वही ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करती है, मतलब उनका सारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। शुरू से लेके लास्ट तक इस प्रोग्राम में लगभग 8 राउंड बनते हैं, जिसमें रिटर्न, इंटरव्यू और कुछ और कनेक्टिंग चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के वो सारा प्रोग्राम जो है वो AFS के थ्रू होता है। मैडम सबसे पहले आप परिचय। सभी को नमस्कार, मैं संगीता नैन स्वामी नित्यानंद स्कूल की प्रिंसिपल। मैडम, आपके स्कूल की एक बेटी ने बड़ा मुकाम हासिल किया है, अमेरिका पढ़ने जा रही है, क्या कहना चाहिए? मैं अपनी बिटिया हर्षिता को खूब सारी बधाइयां देना चाहती हूं, उसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूं, और आज इस मुकाम पर पहुंची है, जैसे डायरेक्टर सर ने बताया, मनोज गहलावत जी ने, कि हम इसको गाइड करते गए और ये बच्ची हमारी गाइडेंस के साथ साथ आगे बढ़ती गई, और बच्ची ने बहुत मेहनत की है, बहुत इम्प्रूव किया है अपने आप को। तो मैडम, क्योंकि एक परिवार का क्या, एक बच्चे का अमेरिका में पढ़ने का सपना होता है, तो लेकिन बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो क्या आपको लगता है कि वो सपना पूरा करने में कितनी मेहनत लगती है? इस बच्ची ने बहुत मेहनत की है सर। देखिए, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। बच्ची 10th क्लास में अपीयर हो रही थी, वो 10th क्लास का बोर्ड का प्रेशर भी कहीं ना कहीं पर बच्चे पर रहता है, उसके साथ साथ ये स्कॉलरशिप का इसका यस प्रोग्राम था, वो भी साथ के साथ चल रहा था, तो दोनों चीज़ों में एक तालमेल बना पाना वो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे कुछ अलग हटके है, कुछ अलग करके दिखाया है, तभी इन दोनों चीज़ों को आपस में मैनेज भी कर पाई, और आई एम 101% श्योर कि ये मेरी बच्ची है बोर्ड के एग्जाम्स में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आएगी। तो कितनी खुशी है? बहुत खुशी, मैं बयान नहीं कर सकती। जब मुझे पता लगा कि हर्षिता का वो फाइनल राउंड भी क्लियर हो गया है, तो मेरी आंखों में आंसू थे। वो आंसू या तो माँ बाप की आंखों में आते हैं, या फिर जो टीचर्स या जो संस्था जिससे जुड़ी हुई है, तो बहुत खुशी का है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आगे आने वाले बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने कि ग्रामीण परिवेश से भी बच्चा बाहर जा सकता है। कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत मेहनत की हम वो चीज़ें सब हमारी पहुँच से दूर हैं, नहीं, वो पहुँच में है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हर्षिता ने जो मेहनत किया है, जो ग्रो किया है, जो इसकी डेडिकेशन थी, आज कहीं ना कहीं पे ये उस सब का ही नतीजा है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।